हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईज के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है काश पठार पर जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तन। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा जिले में लगभग 8664 वर्ष ईसा पूर्व के दौरान काश पठार की जलवायु और पर्यावरण में हुए परिवर्तनों को इसकी एक मौसमी झील के तलछटों के नए अध्ययन ने जलवायु संकेतकों को समझने में मदद की, जिसे होलोसीन के अंत में लगभग 2827 वर्ष ईसा पूर्व के दौरान अपेक्षाकृत कम वर्षा का संकेत मिला है। चलिए जानते हैं काश पठार के बारे में। पुणे से लगभग 140 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट में बसा काश पठार वर्ष 2012 में यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसे मराठी में काश पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसके नाम कासा पेड़ से लिया गया है, जिसे प्राकृतिक रूप से एलोकार्पस ग्लैंडलोसस यानी रुद्राज परिवार के रूप में जाना जाता है। चलिए नजर डालते हैं मुख्य बिंदुओं पर। अगरकर अनुसंधान संस्थान यानी कि ARI पुणे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान ने राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्र तिरुवनंतपुरम के साथ मिलकर काश पठार की पिछली जलवायु को समझने और समझाने के लिए एक मौसमी झील तलछट का अध्ययन किया। 8000 वर्ष पुरानी तलछट प्रोफाइल, जिसका विश्लेषण उपलब्ध कार्बन तिथियों यानी AMS द्वारा किया गया था, ताकि जलवायु संकेतों में डिकोड किया जा सके। इससे यह संकेत मिलता है कि मौसमी झील वर्तमान में लगभग 8000 वर्षों पहले मीठे पानी के संचय के योग्य थी और संभवतः लगभग 2000 वर्षों के बाद सूख गई। चलिए देखते हैं अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को। अध्ययन के अवलोकनों से पता चला कि मौसमी झील संभवतः क्रस्ट के ऊपर विकसित और एक पेडिमेंट चट्टान के मलबे पर क्षरण स्थानीयकृत उथले दबाव का एक उत्पाद है। जैसा कि यूनेस्को ने उल्लेख किया है, वर्तमान फ्लावर वंडर एक झील पर स्थित है जो प्रारंभिक मध्य होलोसीन काल की है, जिसका अर्थ है कि यह एक प्राचीन झील है जिसे लंबे समय से संरक्षित किया गया है। डायटम माइट्स कैमोबियन और तलछट विशेषताओं के हस्ताक्षर ऑब्लिक संकेत ने मौसमी झील की जल विज्ञान प्रक्रियाओं और संशोधन के संबंध में बेहतर समाधान प्रदान किए हैं। लगभग 8000 साल पहले प्रारंभिक होलोसीन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून तेज हो गया था और उत्तर पूर्व मानसून लगभग 2000 साल पहले अपेक्षाकृत कमजोर हो गया था। यह बहुत संभव है कि फ्लावर वंडर लंबी अवधि के लिए मार्च अप्रैल तक प्रारंभिक मध्य होलोसीन यानी 8000 से 5000 वर्ष के दौरान अस्तित्व में रहा होगा, जब मानसून वर्षा निस्संदेह आज से बेहतर होती थी। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काश पठार वर्ष 2010 में यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में शामिल हुआ। दूसरा है, होलोसीन युग लगभग 27 वर्ष पहले था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।